हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ESI यानी एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो आपके परिवहन विभाग में वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सही। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है ये आपको बताना है। कितनी जोड़ी टोटल तंत्रिका निकलती है मेरुदंड से, ये निकलती है 31 जोड़ियां। ठीक है, 31 जोड़ियां तंत्रिका कहां से निकलती है, मेरुदंड से। याद रखना, अगर कपाल से पूछा जाए तो होगा 12 जोड़ी। कितना होगा, 12 जोड़ी। मनुष्यों के कपाल से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, और मेरुरज्जु या मेरुदंड अगर पूछा जाए तो 31 जोड़ी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया। आसान सा क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। और कौन कौन सा नारा है, जय हिंद हो गया आपका, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ये सारे नारा किसके द्वारा दिए गए हैं, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कोवाला पॉइंट कहाँ स्थित है। कोवाला पॉइंट, सॉरी कोलाबा पॉइंट, हाँ ठीक है, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है, ये स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है कोलाबा पॉइंट, मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चर्चित इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया। इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था, जल्दी बताओ। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि इल्बर्ट बिल जो लाया गया था ये लाया गया था 1883 में। कब लाया गया था, 1883 में, और उस वक्त के वायसराय कौन थे, उस वक्त के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लॉर्ड रिपन रहता तो सही आंसर होता। इल्बर्ट बिल है क्या, आपको पता होना चाहिए कि रिपन के टाइम में, 1883 के टाइम में एक बिल आया, उसका काम क्या था, या वो बिल क्यों लाया गया। वो बिल इंडियंस के फेवर में लाया गया था। उस बिल में ये कहा गया था कि अगर कोई भारतीय न्यायाधीश बनते हैं, ठीक है, तो वह यूरोपियों के खिलाफ यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी फैसला सुना पाएंगे, जो पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ के न्यायाधीशों को इतनी आज़ादी नहीं थी, वह ब्रिटिशर्स के खिलाफ फैसला सुनाए। अब अगर इंडियंस फैसला सुनाते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो ये उनके गरिमा के खिलाफ है कि जिस पर वह शासन कर रहे हैं, जो उनके गुलाम है, वह न्याय देंगे उनको। ये चीज जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ये पसंद नहीं था, और सबने मिलकर इसका बहुत ही खिलाफत किया इल्बर्ट बिल का, और इसको व्हाइट म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। क्या, व्हाइट म्यूटनी, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये 1883 में पेश किया गया था इल्बर्ट के द्वारा, जिसने बिल बनाया था, जिसने इसको ड्राफ्ट किया था उसका नाम इल्बर्ट था, तो उन्होंने ही इसको बनाया था। फिर डिस्कशन चला, लेकिन भारी विरोध के कारण इसको वापस लेना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है, उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था। जजिया कर से मोहम्मद बिन कासिम ने किसको मुक्त रखा था, यह आपको बताना है। कौन थे वो थे मुसलमान। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जजिया कर का मतलब क्या है, यही आपको समझना है। यह था गैर मुसलमान कर, तो इसमें से मुसलमान छोड़कर जितने भी लोग हुए सब पर ये कर लगाया गया था। अच्छा, कुछ और जो जजिया कर है उसका अगर इतिहास आप देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि कुछ और भी लोग थे जो इससे मुक्त थे। कौन कौन थे, जैसे आपका एक ब्राह्मण वर्ग था। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग जजिया कर से मुक्त था, लेकिन बाद में इसको ब्राह्मणों पर लगाया गया। ठीक है, फिर हटाया भी गया, फिर से इसको ब्राह्मणों पर भी लगाया गया, तो थोड़ा सा बीच में ब्राह्मण फंस गए थे। अगला क्वेश्चन है, पल्लव किनके सामंत थे। पल्लव किनके सामंत थे, जल्दी बताओ, पल्लव किनके सामंत थे। तो पल्लव सातवाहनों के सामंत थे। किनके सामंत थे, सातवाहनों को। पल्लव स्वतंत्र राज्य के रूप में भी बाद में स्थापित हुआ, लेकिन इससे पूर्व यह सातवाहनों के सामंत थे। ठीक है, और अगर पल्लव वंश के संस्थापक का बात करें तो कौन है, यह है सिंह विष्णु। कौन है, सिंह विष्णु। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी प्रारंभिक राजधानी थी कांचीपुरम, या कांची के नाम से इनको, इसको हम लोग जानते हैं, कांची या कांचीपुरम। ठीक है, अंतिम शासक अगर पल्लव वंश पूछा जाए तो पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। कौन था,
अपराजित। तो कम से कम कोई भी वंश अगर आप पढ़ो, आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए इसका संस्थापक, इसका राजधानी और इसका अंतिम शासक। ठीक है, ये मस्ट है, हर एक वंश का आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा की कैसी वर्षा होती है ये आपको बताना है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा संवहनीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है। तो सीमेंट में सेटिंग का जो समय, सीमेंट का जो सेटिंग होता है उसके समय को नियंत्रित करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है, जल्दी बताओ, क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है जिप्सम। क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। ठीक है, बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट में एक्चुअल में होता क्या है, जो बेसिक कंटेंट है सीमेंट का वो क्या है? वो है सीलिया, ये याद रखना, सीली आ। ठीक है, आ क्या है ये सिलिया? ये है सिलिकन, ठीक है, या सिलिका, और Li से हो गया लाइमस्टोन, और A से हो गया आपका एल्यूमिना। तो सिलिका, लाइमस्टोन और एल्यूमिना ये मेन चीज है। लाइमस्टोन आपका चूना पत्थर हुआ। ठीक है, ये मेन कंटेंट है किसी भी सीमेंट का। इसके अलावे भी और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैं बात करूँ मैग्नीशिया, ठीक है, आयरन और सल्फर के ऑक्साइड भी मिले होते हैं, जिप्सम भी मिलाया जाता है उसके सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत सारे चीजें मिले होते हैं, लेकिन मेन जो है वो है सिलिका और आपका लाइमस्टोन और एल्यूमिना। ठीक है, इसमें जो जिप्सम है इसके मिलाने को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, किसने इसका प्रयोग किया था? तो 1824 ईस्वी में इसको सबसे पहले किसके द्वारा? तो जोसफ एस्पीडन के द्वारा मिलाया गया था। किसके द्वारा? जोसफ एस्पीडन के द्वारा। तो ये नाम आप याद रखना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव कहलाता है। तो जब धरातल के नीचे यानी भूपृष्ठ के नीचे अगर कोई भी शेप हो, बहुत सारा शेप होता है, ठीक है, इस तरह का शेप होता है, फिर आपका खड़ा शेप होता है, गोल शेप हो जाता है, तो भूमि के नीचे जब अलग अलग शेप में जो मैग्मा है वह जम जाता है तो उसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कहलाता है बैथोलीथ। क्या कहलाता है? बैथोलीथ। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और यहाँ पे याद रखना क्या बोला जा रहा है। जिस शेप को पूछा जाएगा आपको वो याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है लावा का जमाव जो गुम्बदाकार हो, खड़े ढाल वाला गुम्बदाकार हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैथोलिथ। ठीक है, अच्छा लैकोलिथ क्या होता है? जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर उठाता है और गुम्बदाकार रूप में जम जाता है तो इसको लैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जम जम जाए खड़े ढाल वाले के रूप में तो इसको हम लोग बैथोलिथ बोलते हैं, लेकिन अगर थोड़ा और ये ऊपर उठ जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है लैकोलिथ और बैथोलिथ में। ठीक है, इसके बाद फैकोलिथ क्या होता है? जब लहरदार आकृति में जमता है, ठीक है, लहरदार आकृति में अगर जम जाए जो मैग्मा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैकोलिथ। ठीक है, लैपोलिथ क्या है? जब तस्तरी नुमा शेप में बन जाए, ठीक है, तस्तरी नुमा शेप, तस्तरी कैसा होता है? तस्तरी इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का। तो जब तस्तरी नुमा शेप में बन जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, ये तो आपका इस तरह का शेप होगा तस्तरी नुमा शेप, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैपोलिथ। क्या बोलते हैं? लैपोलिथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम द्वीप को भारतीय मुख्य भूमि से निम्नांकित से कौन अलग करता है? रामेश्वर द्वीप को भारत के मुख्य भूभाग से कौन अलग करता है ये आपको बताना है। कौन अलग करता है? ये करता है पंबन द्वीप। कौन करता है? पंबन द्वीप। कौन करता है? पंबन द्वीप। ठीक है, किसको? तो रामेश्वर द्वीप को भारतीय भूभाग से। ठीक है, अच्छा कुछ और है जैसे आपसे पूछा जाता है अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है, ये सब हमेशा पूछे जाते हैं, आपको याद रखना चाहिए। ये है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, जल्दी से बताओ कोई। 9 डिग्री चैनल तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। ठीक है, और पाक स्टेट तो जानते ही हो, भारत और
भारत का जो तमिलनाडु क्षेत्र है वहां और श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर के अंतिम भार को कहा जाता है, कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है करापात, क्या कहा जाता है करापात। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, कर के अंतिम भाग को करापात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचे जाने से उत्पन्न होती है, अगर केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक जो है जिसे रिजर्व बैंक अपना है, ठीक है, तो रिजर्व बैंक के द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां यानी शेयर्स को बेचे जाने को क्या कहते हैं, बेचे जाने से होता क्या है ये आपको बताना है, क्या होता है यहां पर, अवस्फीति पैदा होता है। देखो दो केसेस हो सकते हैं, या तो अवस्फीति या मुद्रास्फीति, ठीक है। तो अवस्फीति है क्या, अगर शेयर्स को बेचा जा रहा है, खुले मार्केट में बेचा जा रहा है, यानी पैसा जो है वह मार्केट से भागने लगेगा, क्यों, कहाँ जाने लगेगा, सेंट्रल बैंक के पास, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैसों की कमी हो जाएगी। तो जब पैसों की मार्केट में कमी होती है तो इसको हम लोग अवस्फीति बोलते हैं, जब पैसों की अधिकता हो जाती है तो इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए अवस्फीति का सिचुएशन लाया जाता है, और अवस्फीति को कंट्रोल करने के लिए मुद्रास्फीति का सिचुएशन लाया जाता है, ये काम होता है आरबीआई का, ठीक है। अब ये मत समझना कि अवस्फीति और मुद्रास्फीति स्फीति हमेरा हमेशा निगेटिव सेंस में ही होता है। मैंने अभी बोला कि मुद्रास्फीति को यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अवस्फीति लाया जाता है एक लिमिट तक, ठीक है, जब आरबीआई को लगने लगता है कि अब मार्केट स्टेबल होने वाला है, तो उसके बाद फिर उसको नॉर्मल रखा जाता है। अगर उसको ज्यादा देर तक रखा जाए तो फिर ये भी आपके लिए नुकसानदेह होने लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है। WHO के द्वारा कोरोना वायरस अभी बहुत ही चर्चे में है, और कोरोना वायरस का असर अगर मैं बात करूं तो ये 20-25 देशों से ज़्यादा देशों को प्रभावित कर चुका है, और अभी तक जो आधिकारिक सूचना है कि लगभग 80,000 से ऊपर, 80,000 से ऊपर जो इसके प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या है वो है, ये आधिकारिक सूचना है। और अगर आधिकारिक हम नहीं माने, अनऑफिशियल डाटा लें, तो ये लगभग 1 लाख से ऊपर कब का पहुंच चुका है, ठीक है, और मरने वालों की संख्या भी बहुत अधिक हो चुकी है। तो आपको यह बताना है कि WHO के द्वारा इसका क्या नाम रखा गया है। WHO के द्वारा इसका नाम रखा गया है COVID-19, क्या रखा गया है, COVID-19, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ। भारत में मुस्लिम राज की स्थापना किस युद्ध से प्रशस्त हुआ था, ये आपको बताना है कि कौन वो युद्ध था जिसने मुस्लिम राज की स्थापना को एक तरह से क्या बोल सकते हो, परमिशन दे दिया। तो ये था आपका तराइन का युद्ध। आपको अगर याद हो तो तराइन का दो युद्ध हुआ था, पहला तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, फिर से 1192 में, ठीक है, दूसरा तराइन का युद्ध हुआ और इस बार मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है। तो ये पहला युद्ध था जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मुस्लिम राज्य की स्थापना को इसने एक रास्ता दे दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया हुआ था, तो अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था, तो यह है अब्राहम लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, किस मुगल शासक के युग को कहा जाता है, किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है, यह है अकबर, ठीक है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया था। अच्छा, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, कोई बता सकते हो, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो अकबर का राज्याभिषेक होता हुआ था 14 फरवरी 1556, कब हुआ था, 14 फरवरी 1556 में, कहाँ हुआ था, पंजाब के कालानौर में, ठीक है, कालानौर नामक स्थल है, ठीक है, पंजाब में, वहीं पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। अच्छा, अगर मैं बात करूं अकबर किस नाम से गद्दी पर बैठा था, किस नाम से गद्दी पर बैठा था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, ठीक है, इस उपाधि के साथ यह गद्दी पर बैठा था। और
एक पेटीकोट शासन करके एक आता है, अकबर के काल में पेटीकोट शासन कब से कब तक प्रभावी था? तो यह 56 से लेकर 60 तक प्रभावित था। अच्छा, ये पेटीकोट शासन क्या है? अकबर जब शासक बना उस वक्त यह बहुत छोटा था। इसका जो राज्याभिषेक मैंने बताया 56 में, लेकिन इसका जन्म जो था वो 42 में हुआ था, 1542, तो जोड़ सकते हो, ठीक है। यह मात्र 14 साल का था जब इसका राज्याभिषेक हुआ, तो ये बहुत छोटा था। तो जब यह कोई फैसला करने बैठता था, सबसे पहली बात, एक शख्स तो हमेशा इसके साथ होता था जो इसके बिहाफ पे बोलता था, वो था बैरम खान, ठीक है, जो इसका संरक्षक था। लेकिन और भी जो लेडीज हैं उस राजभवन के, जो लेडीज हैं वो लोग भी उसमें पर्दे के पीछे शामिल होती थी, और वो लोग भी अपना जो बोल सकते हो मकतव्य, वो रखती थी, मकतब नहीं वक्तव्य, ठीक है, क्या उनका विचार है, क्या वो बोलना चाहती है, वो सब रखती थी। तो अल्टीमेटली जो शासन चल रहा था वो इन्हीं लोगों का चल रहा था पर्दे के पीछे से। इसको पेटीकोट शासन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। लेकिन 60 में जब इसको समझ में आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो इसने ये खत्म कर दिया। और अकबर के बारे में अगर मैं और बात करूं, तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। दीन ए इलाही धर्म से आपसे पूछा जाता है कि इसके पुरोहित कौन थे, कोई मुझे कमेंट में बताओ, दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित कौन हुए? तो दीन ए इलाही के प्रधान पुरोहित जो थे वो थे अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। ये सब चीज आपको याद रखना है, भूल जाओगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। और एक बहुत ही फेमस सूफी संत थे जिससे ये बहुत ही प्रभावित हुए थे, और ऐसा माना जाता है कि इनका जो पुत्र जिसका नाम जहांगीर है, ठीक है, वो भी इन्हीं के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। कौन थे वो? वो थे शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था उनका? शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका पुत्र हुआ था, इसीलिए अकबर अपने बेटे को प्यार से सलीम के रूप में बुलाते थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो वो था सलीम, जो अकबर उसको बुलाया बुलाया करता था, ठीक है। अच्छा, अकबर को कहाँ दफनाया गया, अगर ये आपसे पूछा जाए तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा सिकंदरा। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। इसकी मौत कब हुई? 1605 में, ठीक है। तो मुगल वंश में अकबर एक ऐसा शासक है जिसके बारे में हर एक चीज आपसे पूछ लिया जाता है, इसका पूरा जीवन आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन को मलिक कफूर की प्राप्ति हुई थी। सबसे पहली बात, क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है कि मलिक कफूर किसके पास था? मलिक कफूर अलाउद्दीन के पास था। आपको ये अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन को मलिक कफूर कहाँ मिला था? तो मलिक कफूर की प्राप्ति गुजरात विजय से हुई थी, इसको गुजरात विजय के बाद मलिक कफूर इसको मिला था, ठीक है। अलाउद्दीन, अच्छा, सुल्तान ये कब बना था? यह 1294 ईस्वी में सुल्तान बना था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बना था। और अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसब। क्या नाम था? अली गुरसब। अली गुरसब इसके बचपन का नाम था, ठीक है। और अलाउद्दीन जब गुजरात को इसने जीत लिया अलाउद्दीन ने, तो इसको मलिक कपूर मिला था। और ये मलिक कपूर इसके पूरे जीवन काल में बहुत, क्या बोल सकते हो, अहम रोल इसने निभाया। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए किसको भेजा था, इसी मलिक कपूर, ये एक हिजड़ा था, ठीक है, इसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यही मलिक कपूर था जिसको इसने साउथ विजय के लिए, यानी दक्षिण विजय के अभियान के लिए भेजा था। तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी। पर्दा प्रथा भारत में किस काल में प्रारंभ हुई थी, ये आपको बताना है। तो भारत में पर्दा प्रथा मुस्लिम काल में प्रारंभ हुई थी, और अभी भी बहुत जगह यह विद्यमान है। आप जानते हो वो बुरखा, ठीक है, बुरखा सिस्टम, तो यह मुस्लिमों का एक, आप बोल सकते हो, एक तरह का रिचुअल सा बन गया है, उनको, उनकी जो महिलाएं हैं उनको ये पहनना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मराठों का उत्थान किसके काल में हुआ? तो मराठों का उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? शिवाजी के काल में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी जाने जाते हैं, और शिवाजी सबसे प्रबल शासक जो है मराठा के, वह भी माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, शिवाजी का अगर जन्म का बात किया जाए, तो मैंने बार बार बताया आपको, इसमें कन्फ्यूजन होता है, 1627 होगा आंसर या 1630 होगा। कई जगह आपको 27 मिलता है, कई जगह 30 मिलता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपके ऑप्शन में रहेगा वही मारना है,
ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप हमेशा 27 लेना, आंसर आपका सही आंसर यही होगा। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था, और इसके राजनीतिक गुरु कौन थे, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो दादा कौंडदेव, दादाजी कौंडदेव, ये थे इनके राजनीतिक गुरु। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, राज्याभिषेक इनका रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। और कब हुआ था? यह हुआ था 1656 ईस्वी में। ठीक है, ये दो बहुत ही अहम डेट हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इनके काल में एक बहुत ही अहम संधि हुआ था 1665। किसी को याद है कौन सा संधि था वो 1665 में? तो जयसिंह के साथ, महाराजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि, बहुत ही फेमस संधि, पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। किसके साथ? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। ठीक है, अच्छा, इनके काल में जो इनका मंत्रिमंडल था वो क्या कहलाता था, शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता था? तो ये अष्ट प्रधान कहलाता था। क्या कहलाता था? अष्ट प्रधान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी या एंडोक्राइन तथा बहिस्रावी एक्सोक्राइन दोनों की भांति कार्य करता है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कौन सा ग्रंथि काम करता है? कौन सा ग्रंथि है? वह है अग्नाशय, यानी पेनक्रियास। पेनक्रियास दोनों की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है, मैं समाजवादी हूं पुस्तक के लेखक कौन है? मैं समाजवादी हूं इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोलैक्टिन स्रावित होता है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन कहाँ स्रावित होता है ये आपको बताना है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए ये प्रोलैक्टिन है क्या। प्रोलैक्टिन एक तरह का हार्मोन है। ठीक है, लैक्टिन, लैक्टिक, ठीक है, समझ में आया। ये एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड स्रावित करता है। और ये हार्मोन है क्या, क्या काम है इस हार्मोन का? तो जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उसका जो मिल्क सिक्रेशन है, ठीक है, मिल्क सिक्रेशन का काम, वो जो स्टिमुलेशन का काम होता है उसका, वो प्रोलैक्टिन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, मैंने पहले ही बताया हुआ आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्यस्रावी दोनों है? अंतः तथा बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा? तो देखो, यहाँ पे आपका सही आंसर है पेनक्रियास, लेकिन आपका लीवर भी सही आंसर हो सकता था। ठीक है, तो आपका दोनों सही आंसर हो सकता था, लीवर और पेनक्रियास, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना है, इसलिए आपका आंसर होगा पेनक्रियास। ठीक है, क्योंकि जो मेनली हम लोग कंसिडर करते हैं, जो अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हो, वो है पेनक्रियास, लेकिन लीवर भी है। ठीक है, अगर पेनक्रियास ना मिले तो लीवर आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है, गर्भ निरोधक गोलियों में क्या मिलता है आपको अधिकतर? तो ऑस्ट्रोजन और प्रोजिस्टेरोन, ये दोनों चीजें आपको मिलती है, ये दोनों हार्मोन उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? कौन सा जंतु इसमें द्विलिंगी होता है? जल्दी बताओ, द्विलिंगी जंतु कौन सा है? ये आपका जोंक, जोंक द्विलिंगी होता है। अगला क्वेश्चन है, नौ उड़ने वाली पक्षी है, तो इन चारों में से नौ उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? नौ उड़ने वाली पक्षी है इमू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल नोमिनिक्लेचर के जनक कौन है? बाइनोमियल नोमिनिक्लेचर के जनक कौन है? कौन है? यह है लिनियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, तो स्तनधारियों का इन चार लक्षणों में से आपको बताना है कि सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तंतुपट, चार कोष्ठकीय हृदय, दांत विन्यास, या अत्यधिक विकास विकसित मस्तिष्क। आपका सही आंसर होगा चार कोष्ठकीय हृदय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उड़न मछली है, उड़न मछली इन चारों में से किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ये कहते हैं समुद्री घोड़ा को। ठीक है, सी हॉर्स को उड़न मछली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? आसान सा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधार इकाई है। वर्गीकरण की आधार इकाई या वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, इसका बेस क्या है? क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है? ये किया जाता है स्पीसीज के बेसिस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? तो फास्फोरस आपके हड्डियों में पाया जाता है और दांतों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी अवार्ड्स 2019 दिए गए, जिनमें किसे एम्पायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? एम्पायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? ये मिला रिचर्ड इलिंगवर्थ को। किसको मिला? रिचर्ड इलिंगवर्थ को एम्पायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है कहाँ? शरीर में सबसे बलशाली पेशी यानी मांसपेशी का बात किया जा रहा है, कहां पाया जाता है? तो यह पाया जाता है जबड़ों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। जो बाह्य कर्ण कान है आपका, ठीक है, इसका कठोर लचीला भाग किस चीज का बना होता है? किस चीज का बना होता है? उपास्थि का। किसका? उपास्थि का। अस्थि और उपास्थि दो चीजें होती है, तो ये हड्डी का नहीं बना होता है बल्कि उपास्थि का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? रोजगार संगी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? किसने किया है? ये किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? जल्दी बताओ। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। रुधिर का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक इन चारों तत्वों में से कौन सा तत्व है? तो यह है, जल्दी बताओ कौन सा तत्व है? वह तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम ब्लड के क्लोटिंग में आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहां से आई? पुनर्जन्म की अवधारणा कहाँ से आई है? यह आई है बृहदारण्यकोपनिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पीटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह होता है टोकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का संस्थापक कपिल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? तो ये क्वेश्चन आपके लिए अब आसान हो गया होगा, पहले भी मैंने बताया हुआ है। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था, प्रचलित इन्हीं के द्वारा किया गया इन दोनों उत्सवों को। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में और बाराबंकी में। कहाँ सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है? कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है अलीगढ़ में, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, किस नगर में ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती का दरगाह है? ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती इनका दरगाह कहाँ है? इनका दरगाह है अजमेर में। अजमेर का जो फेमस दरगाह है वो इन्हीं का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में? किस राज्य में? यह है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, बैफिन द्वीप कहाँ स्थित है? बैफिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैफिन द्वीप कनाडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से जो पृथ्वी को ऊष्मा मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? उसको हम लोग कहते हैं आपतन। क्या कहा जाता है? आपतन। सूर्य से पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? शंकर देव ने किस भाषा का प्रयोग किया था? किस भाषा का प्रयोग किया था? उन्होंने
असमिया भाषा का प्रयोग किया था? शंकर देव ये भक्ति आंदोलन के एक प्रणेता हुए, भक्ति प्रचारक हुए, ठीक है, और ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, और इन्होंने मुख्यतः तीन भाषाओं का प्रयोग किया, संस्कृत, आसामी और ब्रजवाली, ठीक है। तो कौन कौन सा भाषा था? आसामिया और संस्कृत और ब्रजवाली, ब्रजवाली याद रखना, ये तीन भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन मेनली जो इन्होंने यूज़ किया वो किया असमिया भाषा, क्योंकि ये असम से बिलोंग करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में हवा से हवा मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसकी रेंज है, अस्त्र मिसाइल का रेंज क्या है? तो अस्त्र मिसाइल का रेंज है 70 किलोमीटर, ठीक है, और यह है हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं, जल्दी बताओ। वो हटाए जा सकते हैं स्कंदन प्रक्रिया से या कोगुलेशन मेथड से, जो कोलाइड पार्टिकल है, कोलाइडी पार्टिकल है पानी में, उसको हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेव का रोग किस कारण होता है? ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ये होता है थायराइड की अति सक्रियता से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2019 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? आईफा अवार्ड्स 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है इन चारों में से? तो वो फिल्म है राजी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीदरलैंड के अध्ययनकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत, चीन और किस देश से होकर बहने वाली सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां दुनिया के सबसे कमजोर वाटर टावर्स में से एक हैं? तो आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक चीज दिया हुआ है कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां, और भारत, चीन दिया हुआ है, तो अगला कौन सा देश होगा? ये होगा पाकिस्तान, जहां से सिंधु नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल का अभी राज्यपाल कौन है? यह है जगदीप धनखड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दो भारतीय शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यानी UCCN की सूची में जुड़े हैं? तो भारत के ऐसे दो शहरों का नाम आपको बताना है जो अभी हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जोड़ा गया है। वो कौन सा दो शहर है? वो शहर है मुंबई और हैदराबाद। कौन सा शहर है? मुंबई और हैदराबाद, जिसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा एक ऐसा अभिलक्षण है जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो वह आपका भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, यह भारत के अर्थव्यवस्था का एक लक्षण नहीं है। और रेस्ट जो आपको दिख रहा है, कृषि की प्रमुखता, जनसंख्या का दबाव, प्रति व्यक्ति आय में कमी, ये सारे यहाँ के जो अर्थव्यवस्था है उसके लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इस समय लोकसभा के सदस्य भी हैं? तो अभी तो शायद एक ही है, ठीक है, वो है गौतम गंभीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1931 में, ठीक है। और महात्मा गांधी और इरविन के समझौता किस शर्त पर थी, किस चीज से रिलेटेड था, क्या आपको ये पता है? अगर पता है तो आप लोग जल्दी से मेरे आंसर करके बताओ। गांधी इरविन समझौता इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ? तो कौन सा हुआ 1932 में, जल्दी बताओ। 1932 में तीसरा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत में, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत, जल्दी बताओ, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत से वीडी सावरकर संबंधित है। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? करो या मरो, करो या मरो मैंने पढ़ाया हुआ है, जल्दी बताओ। करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कहां से शुरू हुई थी, ये आपको पता है? ये ग्वालिया टैंक से। चलो कितना मैं पूछूंगा आपसे, मैं ही बता देता हूं। मुंबई में स्थित ग्वालिया टैंक से ये आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
1942 तो हर कोई जानता है, जो बच्चा अभी तैयारी करने के लिए लगा हुआ है वो भी जान रहा है, ठीक है। तो आपको 8 अगस्त को क्लियर करके रखना है। अगला क्वेश्चन, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्नों से हुआ था? कौन थे वो, जल्दी बताओ। तो वो थे श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? कांग्रेस के जितने अधिवेशन हैं, अगर आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हो तो अधिवेशन को आपको हर हालत में क्लियर करना ही होगा। अच्छा, इससे पहले जो आया दीप नारायण सिंह, मैं उसको बता देता हूँ थोड़ा सा। दीप नारायण सिंह जो दूसरा अधिवेशन हुआ था इनके प्रयास से, वो 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर, बिहार के भागलपुर जगह में हुआ था, और सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। ध्यान रखना है ये क्या पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय जो सम्मेलन है वो। और अभी मैं बात क्या कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ 28वां अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में, ठीक है। और कब हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर कहाँ, ये पटना के पास है, अगर कन्फ्यूजन हो किसी को तो पता कर लेना, बांकीपुर पटना के पास है। और ये 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 12 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एन माधोलकर ने। किसने की थी? एन माधोलकर, ठीक है, एन माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था? हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। किस वर्ष हुआ था, जल्दी बताओ। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था हजारीबाग में। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। बहुत सारे आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ लिए, आसान आसान क्वेश्चन पढ़ लिए, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी पढ़ लो यार। अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ये तो आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप लोगों को नहीं आ रहा है, जल्दी आंसर करो। बिहारी, बिहारी बिहार का प्रमुख समाचार पत्र था, इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद इसके संपादक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला, नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन आपको यह बताना है यह किस गांव के निवासी थे। बिहार का गांव है ये, आप सभी को पता है। ये कौन सा गांव था? ये था मुरली भरावा गांव। कौन सा गांव है? मुरली भरावा गांव, जहां से राजकुमार शुक्ला बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे कहां से, ये आपको बताना है। निवारण चंद्र दास गुप्ता, निवारण चंद्र दास गुप्ता से मैं बता देता हूं, ठीक है। शुरुआती टाइम में ये ब्रिटिश के एम्प्लॉय थे, ठीक है। इन्होंने जिला स्कूल, अच्छा जगह ही बता देता हूं मैं, ये पुरलिया से थे, ठीक है। तो शुरुआती दौर में इन्होंने पुरलिया जिला स्कूल था उसके हेडमास्टर के रूप में काम किया। फिर इनको ऑनरेरी जो डीएम का पद है पुरलिया का वो भी दिया गया, ठीक है। लेकिन 1921 में इन्होंने सब चीज़ छोड़ छाड़ के जो नेशनल मूवमेंट है अपना, नेशनल मूवमेंट, उसमें वो शामिल हो गए। और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट तभी चल रहा था, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। कब? 1921 में। कौन है ये? निवारण चंद्र दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे, कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, इसमें भी अगर डाउट हो तो फिर आप मार खाओगे। 1857 की क्रांति में ये बिहार के तरफ से यानी जगदीशपुर के तरफ से इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने वर्ष 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया? लॉर्ड सिन्हा, अब देखो अगर गवर्नर जनरल वगैरह आपने पढ़ा होगा तो आपने कहीं पे भी लॉर्ड सिन्हा का नाम नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ा होगा? क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थे ही नहीं, यानी मैं आप जो पढ़ते हो बंगाल फिर भारत उसमें ये नहीं आते हैं। लेकिन जब आप बिहार के किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉर्ड सिन्हा को पढ़ना, ठीक है। तो ये कहाँ के थे? ये थे बिहार उड़ीसा, 1921 में ये बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे।
अच्छा ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड सिन्हा जो थे इनका पूरा नाम क्या है, यहाँ तो सिर्फ लॉर्ड सिन्हा लिखा हुआ है, इनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। और बिहार बिहार उड़ीसा प्रांत के ये पहले गवर्नर भी माने जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको हेलोफाइट कहा जाता है। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ऐसे क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से, इन सभी से। तो आपका आंसर हो जाएगा इन सभी से। अच्छा यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक ट्विस्ट किया जा सकता था, एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता था, आपको दे दिया जाता जीवीय घटक और अजैव घटक, ये दोनों जोड़ के रहता है ना A+C, तो वहां आप क्या फंस सकते थे? हाँ बिल्कुल फंस सकते थे, क्योंकि ये दोनों चीजें तो है ही, पर क्या भू आकृति घटक इसमें नहीं आता है? आपका पहाड़ पे सारा जीव रह रहा है, आपका जमीन पे रह रहा है, ये सब नहीं आएंगे? ये भी आएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? इन सभी चीजों से, ठीक है, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन, खनिज या मिनरल क्या होता है? खनिज या मिनरल क्या होता है? द्रव्य गैस, अकार्बनिक ठोस, ये सभी। तो खनिज या मिनरल क्या होता है? ये होता है अकार्बनिक ठोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, ये आपको बताना है। जेनेटिक्स अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है, आपने बचपन से ही पढ़ रखा है ये चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, देखो आज क्वेश्चंस जितने भी हैं ऑलमोस्ट सारे आसान ही हैं, लेकिन आप एग्जाम में मिस ना कर दो ऐसे क्वेश्चंस को भी, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। इसमें बहुत लोग धूमकेतु मार देते हैं, वो हमारे सौरमंडल में ही आते हैं, अगर आपको पता नहीं हो तो। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सब हमारे सौरमंडल के पार्ट्स हैं, लेकिन निहारिका ये हमारे सौरमंडल का पार्ट नहीं है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अच्छा याद होगा आपको कि क्षुद्र ग्रह जो है, ठीक है, ये एस्ट्रॉइड कहलाते हैं इंग्लिश में। एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच है? जल्दी से अभी के अभी आंसर करो। एस्ट्रॉइड बेल्ट, कमेंट में जल्दी आंसर करो, एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच है, ठीक है, जल्दी बताओ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? कुशेश्वर पक्षी विहार, कुशेश्वर पक्षी विहार ये बिहार में स्थित है। बिहार में कहाँ स्थित है जल्दी बताओ? तो बिहार के दरभंगा क्षेत्र में कुशेश्वर पक्षी विहार है। जो भी दरभंगा से उन्होंने तो हस्कल के ही आंसर कर लिया होगा, ठीक है, कुशेश्वर पक्षी विहार एक टूरिस्ट प्लेस भी है दरभंगा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है जल्दी बताओ? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य तो ये गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? गया में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में धारवाड़ चट्टाने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है? सॉरी यहाँ नहीं नहीं होगा, है, ठीक है, नहीं नहीं होगा। बिहार में धारवाड़ चट्टाने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? यह है दक्षिणतम पूर्व भाग, ठीक है। बिहार का जो दक्षिण पूर्व एरिया है वहां मेनली धारवाड़ चट्टाने पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये थे जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिहार से रिलेटेड आपको कुछ मिनरल्स वगैरह दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। क्वार्ज मुंगेर में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट ये रोहतास में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। सीसा पूर्णिया में पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो आपका यही गलत है। फेल्सपार गया में पाया जाता है, तो ये सभी आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1916 में। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस खेल में कांप मित्र, सॉरी किस किले में नहीं, किस जिले में, ठीक है, बिहार के किस जिले में कांप मृदा पाई जाती है? कांप मृदा बिहार के किस जिले में पाई जाती है, ठीक है, कांप मृदा जल्दी बताओ किस जिले में पाई जाती है बिहार में? तो ये भागलपुर एरिया में, ठीक है, बिहार के भागलपुर एरिया में आपको जो मिट्टी मिलती है वो कांप मिट्टी है। इसको आप एलुवियल सोइल या जलोढ़ मिट्टी भी बोल सकते हो, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का ही ये दूसरा नाम है, कांप सोइल या कंप सोइल इसको बोलते हैं, ठीक है, कंप सोइल, ठीक है। ये कौन सा हो गया? एलुवियल या जलोढ़।
अगला क्वेश्चन है, इरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? बहुत लोगों ने आंसर कर दिया होगा भागलपुर, लेकिन गलत है। भागलपुर में तस्सर, ठीक है, तस्सर सिल्क, तस्सर रेशम। ये अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का सबसे जो प्रमुख एरिया है तस्सर सिल्क का, वो भागलपुर है, ठीक है, सिर्फ बिहार का ही नहीं भारत का। लेकिन इरी सिल्क अगर बिहार में बात किया जाए तो इरी सिल्क ये अररिया क्षेत्र में अधिकतर इसका उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, जून में संपन्न आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2017 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? 2017 आपको पता है चैंपियनशिप ट्रॉफी जो होता है हर 4 साल में होता है, और लास्ट बार ये 2017 में हुआ, यानी अगला चैंपियनशिप ट्रॉफी कब होगा? 2021 में होगा। तो 2017 का डाटा आपसे पूछा जा सकता है। तो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी में, चैंपियंस ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको बनाया गया? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको बनाया गया, जल्दी बताओ कौन था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? ये था हसन अली। कौन था? हसन अली, इसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया। अच्छा, अभी अगर आईसीसी का आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो नहीं पूछा जाएगा, प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जाए, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर या ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, तो दोनों विराट कोहली ही है। तो आप आंख मूंद के आंसर मार देना, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआं कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो धुआं कुंड जलप्रपात ये काब नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? काब नदी पर, ठीक है। अच्छा, ये काब नदी कहाँ है? ये बिहार में सासाराम के आसपास, ठीक है, सासाराम के आसपास ये नदी है, ताब नदी, ठीक है, उसी पर स्थित है धुआं कुंड जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, किस देश ने विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का परिचालन आरंभ किया है? तो सबसे तेज बुलेट ट्रेन कहाँ चलती है, जल्दी बताओ। सबसे तेज बुलेट ट्रेन चीन में चलती है। कहाँ चलती है? चीन में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी थी? किस चीज का बात किया जा रहा है? भारतीय कौशल संस्थान, भारतीय कौशल संस्थान का पहला, ठीक है, पहला भारतीय कौशल संस्थान का आधारशिला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखा था? तो यह है कानपुर, कानपुर में इन्होंने पहला भारतीय कौशल संस्थान खोला था। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2017 को केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए किस पेंशन योजना की आरंभ की? तो जुलाई 2017 में सीनियर सिटीजन के लिए एक स्कीम चलाया गया था, वो स्कीम कौन सा है ये आपको बताना है। वो स्कीम कौन सा है? वो स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि 2017 देगा, 2017 देके आपको कंफ्यूज करने का उसका कोई इरादा रहेगा नहीं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया एक पेंशन योजना, तो आप देखो वय वंदना, वय वृद्ध, वय विंगम, तो आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है, क्या है वो? वय वंदना योजना। अगला क्वेश्चन, भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए आपको। दीनदयाल बंदरगाह किस बंदरगाह का नाम बदलकर रखा गया है? यह कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह, जो गुजरात में स्थित है, हमारा टाइडल पोर्ट है, ठीक है, उसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया चांसलर नियुक्त किया गया है? यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का चांसलर अभी कौन है, वर्तमान में कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कौन है वो? वो है वीके शाश्वत, ठीक है, जेएनयू, हमेशा चर्चे में रहा है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जेएनयू के चांसलर कौन है? चांसलर है वीके शाश्वत। और वीसी अगर आपसे पूछा जाए तो वीसी कौन है? ये है मामीडाला जगदेश कुमार, ठीक है, मामीडाला जगदेश कुमार, मामीडाला जगदेश कुमार ये है वहां के वीसी। अच्छा, इनके बारे में बता दूं, वीके शाश्वत ये तो आपने पढ़ लिया, वैज्ञानिक भी रहे हुए हैं, डीआरडीओ के चीफ भी रहे हुए हैं, डायरेक्टर जनरल भी रहे हुए हैं, ठीक है। तो इनका जो रिकॉर्ड है पिछला, वो बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट पे ये रहे हुए हैं, ठीक है। और अभी ये वर्तमान में क्या है? जेएनयू के चांसलर। आप कंफ्यूज मत करना, ये है सी और वीसी, ठीक है, चांसलर वाइस चांसलर, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, खुल्लम खुल्ला किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक है? खुल्लम खुल्ला के रचयिता कौन है? कौन है खुल्लम खुल्ला के रचयिता? ये है ऋषि कपूर। खुल्लम खुल्ला बुक किसने लिखा है? ये ऋषि कपूर के द्वारा लिखा गया बुक है। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय औद्योगिक रोबोट जिसका निर्माण TAL द्वारा किया गया है उसका नाम क्या है? तो भारत का पहला इंडस्ट्रियल रोबोट, ठीक है, 2017 में इसका इन्वेंशन हुआ था, तो आपको ये बताना है उसका नाम क्या है। उसका नाम है ब्रेबू,
ठीक है, ब्रैबो, क्या नाम है, ब्रैबो, इंग्लिश में आप याद रखना, BRABO, ठीक है, ब्रैबो। और इसको किसने बनाया था, टाल ने बनाया था, TAL, ठीक है, टाल ने इसको बनाया था। ये जो टाल है यह टाटा समूह का एक सब्सिडी कंपनी है, ठीक है, उसके द्वारा से ये बनाया गया था, ब्रैबो, ठीक है, जो हमारा पहला इंडस्ट्रियल रोबोट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल शक्ति कब मनाया जाता है, आसान सा क्वेश्चन है, विश्व जल शक्ति दिवस ये मनाया जाता है हर एक वर्ष 22 मार्च को, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, कमला नहर कमला नदी से निकलती है, बताइए कि यह निम्न में से किन जिलों की कृषि भूमि को सिंचित करती है या सींचती है, कमला नहर किन क्षेत्रों को सिंचित करती है, यह आपको बताना है। तो कौन सा वो क्षेत्र है, जल्दी बताओ, कमला नहर का अगर नाम आपने सुना है तो यह है दरभंगा मधुबनी का क्षेत्र, ठीक है, कमला नहर जो है वह दरभंगा जिले के उत्तरी भाग से निकलती है, कमला नदी से, और निकल के ये मधुबनी के तरफ इधर आती हुई सबको सींचते हुए आगे बढ़ती है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI द्वारा शुरू किए गए ट्विटर अभियान में किस सेलिब्रिटी को शामिल किया गया है, ट्विटर अभियान में अभी हाल ही में किस सेलिब्रिटी को शामिल किया है RBI ने, किसको किया है, ये किया है अमिताभ बच्चन को, ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का 100 क्वेश्चन, ठीक है, चलिए आपने जरूर आज भी कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आपने कुछ सीखा और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आजकल ऑनलाइन नहीं आ रहे, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो उन तक आप ये खबर जरूर पहुंचाओ कि क्लास रेगुलर चल रहा है, और आपको नोटिफिकेशन के भरोसे नहीं रहना है, आपको टाइम पे क्लास आकर करना है, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।